लेडीज़ एंड जेंटमैन 42nd सेकेंड मोड्यूल द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। अब तक समझ लिया आपने कि कैपिटलिज्म से पहले भी बहुत सारे आइडियाज थे और अब जो है वो कैपिटलिज्म कमर्शियलाइजेशन, डिजिटाइजेशन आप ग्लोबलाइजेशन इंटरनेशनलाइजेशन अच्छा अगर इसको मैं दोबारा से देखूं तो डोमेस्टिसिज्म से बढ़ता हुआ इंटरनेशनल इंटरनेशनल से ग्लोबल ग्लोबल से मैकडोनलाइजेशन और मैकडोनलाइजेशन का मतलब क्या हुआ मैकडोनलाइजेशन का मतलब ग्लोबलाइजेशन का मतलब हुआ कि एक सेट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मैंने लिया कि जिसने भी बनाया फॉर एग्ज़ाम्पल एग्जाम्पल के तौर पर कोई हर्ज नहीं है देना यानी नाइकी का स्टैंडर्ड बन गया अब गोरे का पैर जो है वो ज़ाहिर सी बात है मेरे ब्राउन्स और येलोज से बड़ा होगा येलोज मतलब चाइनीज ब्राउन्स मतलब आपका uh, जो हमारा रीजन बनता है साउथ ईस्ट एशियन रीजन के अंदर मैक्सिमम बड़े सग़ीर के लोग को ब्राउनस कहते हैं येलोज़ जो है वो हमारे चाइनीज़ और बाकी जो इनका ताइवान और ये लोग येलोज में आते हैं फिर आपके ब्लैक आ जाते हैं अच्छा इन सब के फीचर्स डिफरेंट हैं मैगनानाइजेशन जब आती है तो वो इनके फीचर्स को समझती है और इनके मुताबिक इनके ट्रेंड इनके कल्चर इनके आ, स्ट्रक्चर्स के मुताबिक चलती है ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक सेट स्टैंडर्ड बनाती है मसलन नाइकी का दस नंबर अगर उन्होंने बना दिया तो सबको वैसे ही पहनना पड़ेगा भाई मेरा पैर पतला भी है मेरे पैर में कर्व भी है मुमकिन है गोरे के अक्सर पैर स्पार्ट होते हैं स्ट्रेट होते हैं तो वो चीज़ उनके पास नहीं आएगी सो ये मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको बताया कि मुझे प्रोडक्ट रेंज को भी मेरे हर कल्चर के मुताबिक बदलना पड़ेगा फिर उनके मजहब की मामला के मुताबिक भी मुझे मज़हब को चेंज करना पड़ेगा फॉर एग्ज़ाम्पल एक बड़ी अजीब व गरीब सी बात हमारे कल्चर के मुताबिक सबज़ रंग एक जो है वो रूहानी रंग माना जाता है अगर उसको जूते के नीचे अगर आप कलर को दे देंगे तो ये कल्चरली uh, और उनकी जो uh, मजहबी तौर पे बड़ा गलत होगा तो अगर आप इस तरह का प्रोडक्ट देंगे तो मार्केट में उसको मार पड़ेगी तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दी आप स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म की तरफ जाते हैं यहां अगर आप देखें स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म कहता है टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द स्पिरिट इज हिज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव द सेंट्रल ऑर्गमेंट ऑफ द प्रोटेस्टेंट एथनिक

तो वो आपका सोशल फैब्रिकेशन तब्दील हो जाएगा यानी अगर आप जो है वो आपने आ, आपके आइडियाज हैं तो वो उसके अंदर दूसरी लिबरल आइडियाज को फ्री फ्री लोगों को भी उसी तरीके से सांस लेने और उसी तरह जिंदगी गुजारने की इजाज़त होनी चाहिए सो प्रोटेस्टेंट एथिक्स पर जो है वो चेंज एज द वेबर अच्छा आपने ये देखा होगा कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स को वेबर जो है वो वेबर थीसिस के नाम से बोले यानी उनका थीसिस है जिसके ऊपर तो वो पहले ही दे चुके

एक अफ़ाम और एक सख्त किस्म के मिजाज के साथ जैसे आपको पाकिस्तान में या बाकी मजाहब के अंदर मुसलमानों में भी मुख्तलि सेग्रिगेशन मिलेंगी कुछ सख्त मज़हब को फॉलो करते हैं कुछ मॉडरेट को करते हैं कुछ दरमियाने को करते हैं मुख्तलिफ आइडियाज आ गए हैं और इसकी बहसियाँ बढ़ना शुरू हो जाएंगी इसी तरीके से क्योंकि महब मुख्तलि दुनिया के अंदर ऐसे ही इवॉल्व होता है लेकिन इस दैट स्परिट ऑफ कैपिटलिज्म नहीं जी वो कहते हैं एज वेल एज द टाइप ऑफ पर्सन इम्बॉडिंग दिस स्पिरट कैन बी

और फिर तब तबयीन तब तबीन से बात आपकी तक पहुँचती जाती है फिर मुख्तलिफ मज़ाहब के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ उसके अंदर बताया कि लाकरा हाफ उद्दीन यानी दीन के अंदर सख्ती नहीं है अच्छा अब ये इस तरह का ट्रेंड जब बढ़ना शुरू हुआ तो उसके अंदर सख्ती नहीं है चीज़ों को लिबरल लें आपको बहुत तरीके से सख्त नहीं है हर चीज़ को स्वब और जजा के पैटर्न पर नहीं रखना और अगर आप रखेंगे तो उसका क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे बहुत ज़्यादा सोशल ऑर्डर के अंदर सख्ती पैदा होगी और उस सख्ती को किस किस तरीके से आइडिया हो गया मसला आपने एक हदीस से मुबारक सुनी कि जंग की हालत के अंदर अगर आपने तो खड़े होके पानी पी लिया लेकिन आपको नॉर्मली ये कहा जाता है कि बैठ कर ही पीना है ये ही पीना है तो उसका मतलब आपने मुख्तलिफी का आपने मुता नहीं किया जिसके अंदर मुख्तलफ तरीके से आपको ईज़ ऑफ जो है वो तरीक़ाकार की ईज के मुतलक भी बात की गई है आगे हम देखते हैं जी

वो ये है कि रिलीजन इन्फ्लुएंस जो है वो रीफॉर्मेशन की तरफ आएगा और वो जो है वो स्पिरिट नहीं रहेगी स्पिरिट उसकी ये है कि आपको इवॉल्व करना है उस कल्चर के मुताबिक आपको ईज देनी है उस कल्चर के मुताबिक और आपके नॉर्म्स और एटीट्यूड में फ़र्क आएगा सो स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म यहाँ तक नेक्स्ट में हम इसको अगले लेवल तक समझने की कोशिश करेंगे और कैपिटलिज्म से बढ़ते हुए आइडिया और प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है क्या आगे देखेंगे Thank you very much.